ड्रोन। राजस्थान के झालावाड़ जिले में ये किला चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। यही नहीं, ये भारत का एकमात्र ऐसा किला है जिसकी नींव नहीं है। गागरौन का किला अपने गौरवमय इतिहास के कारण भी जाना जाता है। सैकड़ों साल पहले जब यहाँ के शासक अचलदास खींची मालवा के शासक होशन शाह से हार गए थे, तो यहाँ की राजपूत महिलाओं ने खुद को दुश्मनों से बचाने के लिए जौहर चिंदा जला दिया कर दिया था। सैकड़ों की तादाद में महिलाओं ने मौत को गले लगा लिया था। इस शानदार धरोहर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में भी शामिल किया है। गागरौन किले का निर्माण कार्य डोड राजा बीजल देव ने 12वीं सदी में करवाया था और 300 साल तक यहाँ खींची राजा रहे। यहाँ 14 युद्ध और 2 जौहर जिसमें महिलाओं ने अपने को मौत के गले लगा लिया हुए हैं। यह उत्तरी भारत का एकमात्र ऐसा किला है जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, इस कारण इसे जलदुर्ग के नाम से भी पुकारा जाता है। यह एकमात्र ऐसा किला है जिसके 3 परकोटे हैं। सामान्यतया सभी किलों के 2 ही परकोटे हैं। इसके अलावा ये भारत का एकमात्र ऐसा किला है जिसे बगैर नींव के तैयार किया गया है। बुर्ज पहाड़ियों से मिली हुई है। अचलदास खींची मालवा के इतिहास प्रसिद्ध गढ़ गागरौन के अंतिम प्रतापी नरेश थे। मध्यकाल में गागरौन की संपन्नता एवं समृद्धि पर मालवा में बढ़ती मुस्लिम शक्ति की गिद्ध जैसी नजर सदैव लगी रहती थी। 1423 में मांडू के सुल्तान होशन शाह ने 30,000 घुड़सवार, 84 हाथी व अनगिनत पैदल सेना, अनेक अमीर राव व राजाओं के साथ इस गढ़ को घेर लिया। अपने से कई गुना बड़ी सेना तथा उन्नत अस्त्रों के सामने जब अचलदास को अपनी पराजय निश्चित जान पड़ी, तो उन्होंने कायरतापूर्ण आत्मसमर्पण के स्थान पर राजपूती परंपरा में वीरता से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। दुश्मन से अपनी असमत की रक्षा के लिए हजारों महिलाओं ने मौत को गले लगा लिया था।